नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आपको बड़ी खबर दे देते हैं और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। रेवाड़ी के भारतीय स्टेट बैंक में आग लग गई है। आग शॉर्ट सर्किट का कारण बताई जा रही है और आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई है। नुकसान का अभी कोई आकलन नहीं हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है और रेलवे स्टेशन के नजदीक है ये बैंक। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड पर रेलवे स्टेशन के भारतीय स्टेट बैंक में आग लग गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधी जो सर्कुलर रोड पर एक गली में स्थित है भारतीय स्टेट बैंक, जिसमें आग लग गई है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। जो बैंक के अधिकारी हैं वो भी मौके पर है, वो भी अंदर देख रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सीधा एक बार आपको सुनाते हैं। लेकिन जो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये रेवाड़ी के भारतीय स्टेट बैंक की तस्वीर है जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। पुलिस के आला अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं पहले एक बार वो सुनते हैं। संडे का दिन था और बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी मेन ब्रांच है, बंद था। अभी यूपी बेस्ट सिटी में नजदीक ही हम अपने पॉइंट थे, कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि SBI की मेन ब्रांच में आग लग गई है। तुरंत मौके पर मैं पहुंचा हूं, वैसे तो सिटी पहुंचे हैं और एक है तो आगे बिजली शॉर्ट सर्किट से आग लगनी पाई गई है। ब्रांच मैनेजर को बुला लिया गया है, बैंक को खुलवा लिया गया है, फायर ब्रिगेड बुलवा ली गई है और आग के ऊपर पूर्णतया काबू पा लिया गया है। सर, कोई आंकलन हुआ है कितना का क्या नुकसान है अभी तक? अभी तो मैनेजर हैं अंदर ही हैं बैंक में, वो देखेंगे उसके बाद में डिटेल। लोकअप तक कहीं आग पहुंची है? नहीं है, शॉर्ट सर्किट ही चल रही थी, केबल ही चल रही थी। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लिया है, मौके पर हम पहुँच गए हैं और आग के ऊपर काबू पा लिया गया है। फिर भी अगर कोई अंदरूनी किसी प्रकार की कोई क्षति अगर है तो वो ब्रांच मैनेजर से पूछ के जैसी जरूरत होगी बताएंगे और कार्रवाई अमल में लाएंगे।